आप देख रहे हैं द इंडियन इंफॉर्मेटिव स्टूडियो। मैं हूं आपके सामने यासर। क्या डिंपल यादव जो है वो आजम खान की सीट बचा पाएंगे रामपुर से, ये एक बड़ा सवाल जो है वो काफी दिनों से जो है वो चर्चा में है। क्या डिंपल यादव के अंदर वो काबिलियत है कि वो जो है आजम खान की जो MLA की सीट है वो जिता सकती हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि विपक्ष में है जया पर्दा। जी हाँ, विपक्ष में जया पर्दा है, तो जया पर्दा का जो मुकाबला है वो डिंपल यादव से होना है, या डिंपल यादव का जो मुकाबला है वो जया पर्दा से होना है? तो इसलिए इस बात की बहुत चर्चा हो रही है, क्या जया पर्दा को इस बार टक्कर देने में सक्षम रहेंगी डिंपल यादव? क्योंकि हमने देखा कि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में जो है जया पर्दा ने जो अच्छी खासी टक्कर दी आजम खां को, जबकि आजम खां जो थे खुद चुनाव लड़ रहे थे। जब आजम खां खुद चुनाव लड़ रहे थे, जब अगर BJP जो है वो उनको एक अच्छी टक्कर दे सकती है और जया पर्दा जो है वो अच्छी टक्कर दे सकती है, तो अब हालांकि क्योंकि आजम खां जो है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो सीट जो है वो खाली हुई है, जैसे कि 12 सीटें जो है वो खाली हुई हैं जो चुन के जो है वो गए हैं। तो अब इन 12 सीटों में रामपुर का भी मुकाबला है, रामपुर की जो MLA सीट है उसके भी मुकाबला है। तो हालांकि इस पर आजम खां जो है वो जीतते हुए आए हैं, लेकिन इस बार आजम खां नहीं लड़ेंगे। तो सुनने में ऐसा आ रहा है, कन्फर्मेशन अभी हालांकि नहीं हुई है कि डिंपल यादव बाकी चुनाव लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी, लेकिन रामपुर की जो सीट है वो सेफेस्ट सीट है। सेफेस्ट सीट है हर SP के नेता के लिए, क्योंकि यहाँ से जीतना उनके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है वो आजम खां की छत्र छाया में चुनाव लड़ेंगे। इसलिए हर किसी ने अपना इंटरेस्ट दिखाया कि यहाँ से जो है चुनाव लड़ें। हालांकि अभी चुनाव जो की जो सूची है, जो नॉमिनेशन है, जो बताया गया है, वो तय नहीं हुआ है कि किसको जो है वो दिया जाएगा टिकट, लेकिन ऐसा सूत्रों के मुताबिक सुनने में आ रहा है कि डिंपल यादव को जो है रामपुर से लड़वाया जाएगा। हालांकि डिंपल यादव का जो करियर है वो बेहतर है, फिरोजाबाद से उन्होंने शुरू किया था, लेकिन कन्नौज से वो कई बार वो जो है जीत चुकी हैं, लेकिन इस बार वो सीट कन्नौज से हारी हैं BJP के नेता से। तो अब वो लौट के रामपुर से लड़ती हैं। क्या वो रामपुर की सीट को बचा पाती हैं, ये सवाल तो तभी पता चलेगा जब यहाँ चुनाव होंगे। ये बड़ा सवाल BJP के लिए भी है, जय पर्दा के लिए भी है, क्योंकि एक बार जो है वो SP से मात खा चुकी हैं, तो क्या दोबारा वो SP से मात खाने चाहेंगी, या दोबारा जो है वो जो अपना रुतबा है जो उससे पहले जीती थी रामपुर से जया पर्दा, तो उस रुतबे को जो है इस सीट को बचा के एटलीस्ट MLA की सीट को बचा के कायम रख पाएंगी? ये देखने के लिए थोड़ा सा हमें करना होगा इंतज़ार। आप बने रहिए द इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ। जय हिंद।